गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरी चैनल सत्याली पे आप सभी का स्वागत है। नहीं, मेरी यूट्यूब चैनल सत्याली पे आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़। और ये जो देख रहे हैं हमारा गांव का नज़ारा है मॉर्निंग का, जो बहुत ही अच्छा है। अच्छा चलो, ये जो ना हम जा रहे हैं ना, आज मतलब इंटरव्यू के लिए जाना था हमें। हमें मतलब कॉलेज के एडमिशन के लिए इंटरव्यू लेते थे, तो हम इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे थे। और इस तरह का नज़ारा जो है ना, मतलब व्यू जो है ना, वेदर इतना ज्यादा अच्छा था ना, बस अब देखते जाइए वेदर को, मौसम को इंजॉय करते जाइए। अच्छा, यहाँ पे जो ना, जो दूर दूर तक जितना भी ग्रीनरी दिख रही है ना, वो सब आसाम की चाय बगीचा है, टी गार्डन है। और फ्रेंड्स, मैं 5 घंटे के बाद मिल रही हूँ कॉलेज में जाके, हमने इंटरव्यू देने के बाद मिल रही हूँ, ठीक है। और मैं कॉलेज के अंदर कोई भी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मुझे लगा कि वहाँ अगर वीडियो अलाउ ना हो, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। और उसके बाद हम इंटरव्यू देने के बाद निकल के खाना खा के, और अब गड्डी पर बैठ के जाएँगे हम रूम देखने। रूम में इस वीडियो पर नहीं दिखाऊँगी, बाद में दिखाऊँगी। तो चलिए, और ना रूम देखने के बाद हम फिर घर चले, घर लौट के आ गए, घर चले आए। और ये था शाम का नज़ारा, जो बहुत ही अच्छा था। बहुत मुझे ऐसा ना बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, ये जो पैकिंग देख रहे हैं ना, मेरी जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि हमने इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया, जो हम सिलेक्ट हो गए, बहुत खुशी की बात है ये मेरे लिए। और सिलेक्ट होने के बाद हम वहाँ पढ़ाई के लिए, रूम तो पहले से देख लिए थे, तो जाने की तैयारी कर रहे थे। जो जो चीज़ों की ज़रूरत है सब मैंने अपना एकदम सिंपल सा, जो बेसिक जो होता है ना, वो ये जो ये रिंग्स है और ये सब पैकिंग कर रहे हैं। ये मामाअर्थ का फेस वॉश है, जो एकदम बेकार है, इसको भी लेके जा रही हूँ साथ में। क्या करें, इससे काम नहीं, मैं इसकी यूज़ नहीं करती। एक दो बार यूज़ करने के बाद मुझे पता चल गया इसका, एकदम मेरे स्किन पे एकदम शूट नहीं करता। ये जो है ना, वो पैकिंग करना हो गया है कम्प्लीट। और ये रहा मुल्तानी मिट्टी, वो थोड़ा सा सामान जो है ना, वो उस पर जगानी हो रहा है, तो मैं इसको इस बैग पे डाल दूँगी, ठीक है। और ये जो मैंने रखा था ना उस पर, इस पर रखा था ना, मतलब ये गिर गया था, तो इसको मैंने निकाल के ना उस बैग पे डाल दूँगी। इसको ना मैं यहाँ पे डाल दूँगी, ये देखिए रखती है ना, खुल गया है, ऐसा खुल जाता है और गिर जाता है, इसलिए मैंने उसको वहाँ से निकाल के ना इस बैग पे डाल दी है। अब इसको करते हैं बंद। अब क्या करें, अब हाँ मेरी चैनल, और ना दिन का टाइम है, ये मेरा जाने का जो जो चीज़ है ना, वो सब पैक हो गया है। और अच्छा चलो, मैंने जाने के बाद ना वहाँ रूम पे आके ना, निकल के रूम पे जब पहली बार आए थे ना, मेरा भाई भी वहाँ पे रहता था पहले से, 1 साल पहले से, और उसने रूम को ना इतना ज़्यादा गंदा कर रखा है ना, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए किस हाल पे, ऐसा कोई छोड़ के जाता है क्या, ऐसे मतलब एकदम गंदा छोड़ के चले गए। इस उम्मीद से छोड़ के गया कि मैं जाऊंगी उस सब साफ कर लूंगी, इसलिए उसने ऐसा ही छोड़ के चला गया। ये देखिए रूम का अंदर जो है ना, वो एकदम मतलब एकदम गंदा था, इसको साफ करना पड़ा। हम 2 बजे गए थे, लेकिन रात के 7 बज गए, हम साफ करते रहे, हमें पता ही नहीं चला इतना टाइम कहाँ गया। और थोड़ा सा साफ हो गया है। अब यहाँ पे बेड को डालना है और रजाई वगैरह ये सब डालना है। और उसके बाद ये देखिए, हमने सब कुछ ठीक करके, ठीक मतलब अभी तक पोछा नहीं लगाया है, थोड़ा सा जितना हो सका हमने साफ करके रख दिया है। बाल्टी पे पानी लेके रखा है, मैं इसको मुझे इस पोछा लगाने के लिए पानी रख लिया है। और सबसे पहले बाइक का कमरा साफ करना है, क्योंकि इसके कमरे पे ना, ये देखिए इसकी जो फ्लोर पे, ये देखिए पता नहीं क्या दाग है ना, कलर का दाग है, कलर का होगा, ये जा ही नहीं रही थी। यहाँ पे आकर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था पानी, खाने के पानी जो है ना, फिल्टर तो करके खाना पड़ेगा, तो जाके फटाफट से हमने फिल्टर को ना फिट कर ली है। और ये देखिए फिल्टर को जब फिट किए ना, ये देखिए इसका पानी ऑटोमेटिकली नीचे ही गिर रहा था,
ये मेरी फ्रेंड है जो आगे पीछे घूम रही है कैमरे के सामने। ये देखिए, हमने हमारा जो जो सामान था ना रख दिया है, और उसके बाद मैं लग गई पोछा लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए। और हमारा रूम पोछा मोछा जो भी है सब लगा के ना एकदम साफ कर ली है। ये देखिए एकदम साफ हो गया है, और इसका भी मैंने साफ कर लिया। ये दरवाजे पे जो कलर दिख रहे हैं ना, ये सब नहीं, ये जाता नहीं है। बहुत ज़्यादा तकलीफ सख्ती होता है, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाई। इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। और इस ये वाला जो फिल्टर है ना, इस पे घर से मैंने फिश लाई थी, अम्मा ने दी थी, इसको धो के रख लूँगी रात के खाने के लिए। हाँ, रात के खाने के लिए मैंने ये बनाई है थोड़ा सा। और जो फिल्टर जो रखा था ना, उससे इतना ज़्यादा पानी गिर रहा था, मतलब एकदम किचन जो है ना वो भर गया पानी से, तो मैंने इसको निकाल के रख दिया है। नहीं चाहिए भाई, फिल्टर के पानी नहीं चाहिए। दूसरा वाला था ना, उस पर रख दिया है। और ये सिंगल वाला है, डबल वाला लाया है, उसको लगाना है। अब रात की खाने के लिए दाल बनाई है मैंने। दाल का तड़का जो है ना, मैं जिस प्रकार से यहाँ पे तड़का लगाऊंगी ना, अगर आप लोग इस तरीके से नहीं खाते तो प्लीज़ इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है ऐसे खाने से। सबसे पहले तो तेल ऐड कर दी, बाद में लहसुन थोड़ा सा ऐड करके इसको फ्राई करके, यहाँ पे प्याज को ऐड करके ना थोड़ी देर तक इसको फ्राई करेंगे। और ये जो दाल है ना, दाल पे मैंने धनिया पत्ता ऐड की है, मान धनिया जो कहते हैं ना, इसको तो आसामीस में मान धनिया कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अब ना इसको फ्राई करके ना, तो मैंने तड़का लगा दिया है। एक हाथ पे ना मोबाइल पकड़ के नहीं कर पाई, तो मैंने वो दिखा भी नहीं पाई, इसके लिए सॉरी। और ये रात की खाना तैयार है हमारा। दाल जो है ना बहुत अच्छा बना था, बहुत तारीफ भी हुई थी मेरी दाल, मतलब मैंने जब बनाई थी ना, तो हमने खा के। और हाँ, दाल के साथ ये अचार है। फिश जो है ना, मैंने उसको फ्राई करके रख दिया था, बनाई नहीं थी क्योंकि बहुत थक गई थी, एक ही सब्ज़ी बना के उसको खा ली। और ये घर से मैंने सब्ज़ी लाई थी। वैसे हमारा घर ना गाँव पर है, तो गाँव का अपने ही घर का खेती का ये सब्ज़ी है। और फ्रेंड्स, खाना पीना खाने के बाद हम आ गए सोने के लिए, और मिलते हैं अगली सुबह। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़। सब खुश रहिए, सलामत रहिए।